प्रतीक, निशांत और राखी, इन तीनों की आपस में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। दरअसल आप जानते ही हैं कि मुद्दा कल से ही चला आ रहा है, जहां पर निशांत इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि वो वीआईपीस का कोई भी पर्सनल काम करेगा। उसका ये कहना है कि मैं ड्यूटीज तो कर लूंगा, लेकिन जहां तक बात है पर्सनल काम की, वो जो है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसे में अब प्रतीक आज सुबह सुबह जो है राखी के लिए कुछ बनाता हुआ नजर आया और इसी के बाद ये आपस में भिड़ पड़े हैं। तो राखी का ये कहना है कि कल पूरा दिन मेरी फास्टिंग थी, आज सुबह से जो है मुझे बहुत भूख लग रही है और राखी का खाना जो है वो शायद कोई और खा गया। तो उसका ये कहना है कि अगर मेरे हिस्से का खाना था तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं अगले दिन के लिए रखना चाहिए ना, वो मैं ही खाऊंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर प्रतीक और निशांत आपस में भिड़ गए हैं। तो एक बात तो तय है कि वीआईपीस के आने के बाद जो है निशांत और प्रतीक के बीच के डिफरेंसेस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच की लड़ाइयाँ बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही हैं और हर छोटे बड़े मुद्दे पर ये लोग लड़ पड़ते हैं। पर प्रतीक को लेकर जो नॉन वीआईपीज हैं उनको ये लगता है कि प्रतीक जानबूझकर राखी के गुड बुक्स में आने के लिए, वीआईपीज की गुड बुक्स में आने के लिए उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो डेवोलीना के साथ भी कल रात को अपने गेम को डिस्कस करता हुआ नजर आया। तो डेवो के साथ उसका एक अच्छा रैपो बन गया है, राखी का हस्बैंड उसको पसंद करता है, राखी पसंद करती हैं। हालांकि रश्मि के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अब प्रतीक ने अपनाई है, हो सकता है कि उसका वो जेन्युइन कंसर्न हो, लेकिन यहाँ पर नॉन वीआईपीज को ये लगता है कि वो जानबूझकर इनके साथ जो है बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है ताकि आगे चलकर उसको गेम में फायदा हो। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा।